नमस्कार दोस्तों, अगर आपने शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया है तो क्या आपको कभी ये फीलिंग आई है कि मार्केट जब अप जाए तो आपकी इनकम हो, मार्केट जब साइडवेज हो तो आपकी इनकम हो, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो भी आपकी इनकम हो? अगर हाँ, मुझे तो जरूर आई थी। अगर आपको भी आई है तो आज का वीडियो उसी के बारे में है। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हम बात करेंगे रेगुलर मंथली इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स और ETF, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटेजी है हमारे बिलवड महेश कौशिक सर के द्वारा। तो अगर आपने उनकी बुक पढ़ी है सिप के चमत्कार, जो कि हिंदी में अवेलेबल है और इंग्लिश में भी, उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस बुक में कई अमेजिंग स्ट्रेटेजीज महेश सर ने हमें बताई हैं। उस बुक में से ऑलरेडी मैं एक स्ट्रेटेजी पर वीडियो बना चुका हूँ, शेयर जीनियस SIP, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज मैं बनाने वाला हूँ एक और अमेजिंग, जो सबसे मुझे बढ़िया मेथड लगा, सबसे टॉप मोस्ट, सारे मेथड्स बढ़िया हैं इस बुक में, लेकिन ये वाला मुझे खासा पसंद आया क्योंकि इसमें रेगुलर मंथली इनकम होती है हमारी हर मंथ, भले ही मार्केट कंडीशन कुछ भी हो। तो क्या है ये मेथड, कैसे इसे यूज करना है, कैसे हम इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, वही सब आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमें एक एनालॉजी समझनी पड़ेगी, एक बिजनेस कैसे रन होता है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है कैफे का बिजनेस, देखते हैं उसमें क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपेयर कैसे करता है हमारे इस रेगुलर मंथली इनकम के स्ट्रेटेजी से। तो कैफे चलाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक स्पेस जहाँ पे हम अपना कैफे सेटअप कर सके। उसके बाद हमें चाहिए एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिससे कि हम फर्नीचर इक्विपमेंट वगैरह वगैरह खरीद सके जो हमारे कैफे में यूज होगा, जहाँ कस्टमर बैठेंगे, और इक्विपमेंट जिससे हम कैफे में कॉफी चाय जो भी हम सर्व कर रहे हैं वो तैयार कर पाएंगे। उसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर के लिए पैसा, जैसे कि हमारी डेली सप्लाईज जो कैफे में मटेरियल यूज होंगे, और मंथली रेंट उस कैफे के एरिया का, यूटिलिटी बिल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, इंटरनेट, जो भी आप कैफे में यूज करेंगे, ये सब हमें पे करना होगा। और उसके बाद फिर जब कस्टमर आएंगे हमारे कैफे में, सामान यूज करेंगे, उन्हें कंज्यूम करेंगे, तो हमारी इनकम होगी जो हमें मिलेगी। तो इसमें आप देख सकते हैं चार चीजें हैं, एक तो स्पेस जहां हम सेटअप करेंगे, दूसरा हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तीसरा हमारा ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर जिसे आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, और चौथा हमारी अर्निंग्स। जब एक बार बिजनेस सेटअप हो गया और हम कमाने लगते हैं तो वो हमारी अर्निंग है। अब हम महेश सर के मेथड को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये एनालॉजी, ये एग्जाम्पल कैसे उस मेथड से आप कंपेयर कर सके, बिकॉज इसमें एक साइकोलॉजी सेटअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ मेंटल ब्लॉक्स आपके आ सकते हैं जब आप इस स्ट्रेटेजी को समझेंगे। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं आपको भी समझाता हूँ क्या हो सकते हैं वो। तो क्या है महेश सर की स्ट्रेटेजी, सबसे पहले हमें चुनना है एक अच्छा म्यूचुअल फंड, आप इसे ETF में भी कर सकते हैं। क्या है अच्छा म्यूचुअल फंड, उसकी डेफिनेशन और उसके क्राइटेरिया मेरी गूगल शीट में आपको मिल जाएंगे, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में हमें इन्वेस्ट करना है लमसम 1 लाख, आप मल्टीपल्स में भी, लाख्स के मल्टीपल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख, 3 लाख या कोई भी मल्टीपल लाख्स में लगाना चाहते हैं तो एक म्यूचुअल फंड में ना करके उसे डिफरेंट डिफरेंट में कीजिए, ताकि आप डाइवर्सिफाई कर पाए। ये करने के बाद फिर आपको स्टार्ट करनी है एक मंथली सिप जो कि होगी 2% ऑफ योर लमसम अमाउंट। तो अगर आपने 1 लाख किया है लमसम इन्वेस्ट, तो अगले महीने से आप 2000 की, जो कि 2% है 1 लाख का, उसकी SIP शुरू कर देंगे, और ये SIP कंटिन्यू रहेगी जब तक हम इस प्लान में इन्वेस्टेड हैं, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, तो ये SIP कभी बंद नहीं होगी। और फिर 1 साल के बाद हमारी अर्निंग शुरू होंगी। तो जब 1 साल पूरा हो जाए आपको अपना फंड वैल्यू चेक करना है और देखना है कि उसका 1% वैल्यू कितना निकल के आ रहा है, अभी मैं एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा, और उस 1% वैल्यू को आप मंथली विड्रॉ कर लेंगे, वो है आपकी इनकम। 1 साल इसलिए क्योंकि 1 साल के बाद जब आप यूनिट्स बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाती हैं, तो वो टैक्स एफिशिएंट बन जाएगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक की आपकी अर्निंग टैक्सेबल नहीं होती है। उसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड यूज करेंगे तो वो 10% के हिसाब से टैक्स होते हैं अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में। ये हो सकता है बाद में चेंज हो जाए आगे जाके, लेकिन अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 10% की ब्रैकेट में आते हैं। तो मंथली इनकम निकालने के लिए आप या तो ये मेथड अपना सकते हैं, 1% कैलकुलेट कर लीजिए जो भी आपने फंड वैल्यू है उसका, और मंथली निकालते रहिए, यानी कि पहले मंथ आपने किया कैलकुलेट, 1% निकल के आया जो भी अमाउंट, अभी प्रैक्टिकली मैं आपको शीट में दिखाऊंगा, वो आपने विड्रॉ कर लिया। उसके नेक्स्ट मंथ आपको फिर 1% कैलकुलेट करना है फंड वैल्यू, हो सकता है फंड वैल्यू ऊपर चली गई हो या नीचे आ गई हो या वहीं पे हो, इररिस्पेक्टिव कुछ भी फंड वैल्यू हो आपको उसका 1% कैलकुलेट करना है और फिर उस मंथ वो विड्रॉ कर लेना है। साथ ही आपकी जो सिप है वो चलती रहेगी, वो फिक्स है जिंदगी भर के लिए 2000 पे, उसका अमाउंट ना बढ़ेगा ना घटेगा ना वो कभी रुकेगी, वो फिक्स है। आपका जो सिर्फ मंथली विड्रॉवल हो रहा है वो चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन द फंड वैल्यू।
इसका एक और तरीका है फंड वैल्यू को निकालने का। अगर आप हर महीने 1% निकालने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, जब 1 साल पूरा हो जाए आप 1% अपने फंड वैल्यू के निकाल लीजिए और जो भी अमाउंट आता है उसको फिक्स कर लीजिए, ओके ये वाला अमाउंट मैं हर महीने अब अगले 12 महीने तक निकालता रहूंगा, और उसके बाद जब 1 साल पूरा हो जाए उसके बाद फिर से फंड वैल्यू चेक कीजिए और देखिए 1% क्या आ रहा है और उसको अगले 12 महीने के लिए फिक्स कर लीजिए। सो फॉर एवरी 12 मंथ्स यू आर फिक्सिंग की मैं इतना अमाउंट निकालता रहूंगा हर मंथ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, 1 साल पूरा होने के बाद से आपका फंड वैल्यू 2 लाख से ऊपर हो जाता है तो आप फिक्स कर सकते हो कि हर मंथ मैं 2000 निकालता रहूंगा, ओके नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए। अगर आपका उसके अगले साल फिर 3 लाख का फंड वैल्यू हो जाता है तो आप फिक्स कर लेंगे ओके हर मंथ मैं 3000 निकालता रहूंगा अगले 12 महीने के लिए। तो इस तरह से आपकी ये साइकिल चलती रहेगी, फंड वैल्यू बढ़ रही है तो आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, फंड वैल्यू घट रही है तो आप अपना अमाउंट घटाते भी रहेंगे, क्योंकि मार्केट इतने लॉन्ग पीरियड में अप डाउन जाने ही वाला है, लेकिन आपकी इनकम नहीं रुकेगी क्योंकि इररिस्पेक्टिव मार्केट अप ट्रेंड में है, आपकी फंड वैल्यू आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से ज्यादा है या कम है उसकी चिंता नहीं करनी, आपको बस 1% कैलकुलेट करना है और उसे मंथली विड्रॉल करते रहना है। अब इस स्ट्रेटेजी में क्या देखते हैं हम कि हम कुछ अमाउंट सिप के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कुछ अमाउंट निकाल रहे हैं हर मंथ, और शुरू में अगर आप 1 साल के बाद ये करते हैं तो आपका जो सिप अमाउंट है मोस्ट प्रोबेबली आपके जो विड्रॉल अमाउंट है उससे ज्यादा होगा, यानी कि आप कम विड्रॉ कर रहे होंगे और ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको ये ख्याल आएगा यार ये कोई सेंस बनता है कि मैं निकालूं भी और फिर इन्वेस्ट भी करूं, क्यों इस पचड़े में पड़ना। तो इसीलिए मैंने आपको जो शुरू में एग्जाम्पल दिया था आप उसको समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में, और दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो जो आपका स्पेस है जहां पे आप कैफे सेटअप करेंगे, यहाँ हमारे एग्जाम्पल में वो हो गया डीमैट अकाउंट। ठीक है, जैसे जीरोधा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, जहां पे भी आपका डीमैट अकाउंट है जहां से आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं या म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो हो गया आपका कैफे का सेटअप एरिया। उसके बाद थी हमारी लमसम इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बताया 1 लाख हम लमसम इन्वेस्ट करेंगे, वो कंपेरेबल है उस इन्वेस्टमेंट से जो हम फर्नीचर बाय करते, इक्विपमेंट बाय करते, सब कुछ इनिशियली जो हम बाय करते वो हो गया हमारा लमसम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो हम डेली सप्लाई, मंथली रेंट, यूटिलिटी बिल्स में खर्च करते कैफे में, वो यहाँ पे हो गया हमारा मंथली सिप, यानी कि मंथली बेसिस पे हमें एक अमाउंट खर्च करते रहना है जो हमेशा होता रहेगा। और उसके बाद जो हमारी अर्निंग्स हो रही थी कैफे से, यहाँ पे वो है हमारा मंथली सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, SWP, इसका फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो हम जो सिस्टमैटिक विड्रॉवल करेंगे हर महीने वो हमारी अर्निंग होगी। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि ये जो सिप है ये आपकी पॉकेट से हर महीने जाएगी जो कि फिक्स्ड है, जैसे मैंने शुरू में बताया जो भी आप लमसम स्टार्ट करते हैं उसका 2% वो जिंदगी भर के लिए वही फिक्स रहेगी, और अर्निंग्स जो आप निकालते रहेंगे तो आपके जो ये बिजनेस से अर्निंग हो रही है, आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो आपका हक है उसे निकालने का, तो वो आपको निकालना है। अब आप जब बैक टेस्टिंग शीट देखेंगे जो मैंने बनाई है और उसे एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ भाई शुरू में ऐसा फील होगा कि हाँ भाई हम ज्यादा सिप में अमाउंट डाल रहे हैं लेकिन हम निकाल कम पा रहे हैं, लेकिन यही बिजनेस है। जब बिजनेस आप शुरू करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, अर्निंग्स कम होती हैं, लेकिन धीरे 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 ऐसा पॉइंट आता है जहां ब्रेक इवन हो जाते हैं, यानी कि जितना हमने इन्वेस्ट किया उतना हम निकाल चुके होते हैं, उतना हम कमा चुके होते हैं, और उसके बाद जो भी अर्निंग्स होती है वो आपके प्योर प्रॉफिट होती है। तो इसमें लॉन्ग टर्म में ये सिचुएशन भी आएगी। तो अब क्विकली हम देख लेते हैं गूगल शीट को जो मैंने आपके लिए बनाई है हमेशा की तरह। तो सबसे पहले इस गूगल शीट में आपको मिलेगा मेथड, सो ये जो मैंने स्टेप्स बताए इनको और डिटेल में मैंने यहाँ समझाया, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है सेलेक्टिंग अ म्यूचुअल फंड। अब कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए उसको सेलेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पे डिफाइंड है। तो उसके लिए ये महेश सर का जो ब्लॉग है जिसपे उन्होंने ये स्ट्रेटेजी पोस्ट की थी बहुत सालों पहले, वो यहाँ पे दिया है मैंने। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM उस म्यूचुअल फंड का होना चाहिए काफी हाई, यानी कि 10,000 करोड़ से ऊपर होगा तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उनके पास काफी पैसा है ना मार्केट में लगाने के लिए और अपनी पोजीशन संभालने के लिए, इसलिए ये बड़े म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना सेफर है। मस्ट हैव मोर देन 5 ईयर्स ट्रैक रिकॉर्ड, ऐसा नहीं कि आप कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है आप उसमें पैसे डाल दें, नहीं, आप जो भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करें उसका ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 5 साल का होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि इसने अभी तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है और उसके बेसिस पे आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मस्ट बी अ डाइवर्सिफाइड फंड, तो मैंने आपको दो लिंक्स दिए हैं जहां से आप म्यूचुअल फंड्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये मनी कंट्रोल का लिंक है, इसे खोल के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे आप जाएंगे ऊपर फिल्टर में तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं फंड हाउस कौन कौन से आप रखना चाहेंगे, फंड कैटेगरी कौन कौन सी रखना चाहेंगे। मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया लगा दिया है इनमें जो मैंने यूज किया,
लेकिन आप अपने फिल्टर्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टार रैंकिंग मैंने 5 और 4 ही रखी है, उससे नीचे नहीं रखे हैं। फंड पैरामीटर्स यहाँ पे मैंने लगा दिया कि वो 10,000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए और वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होना चाहिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाया। ठीक है, उसके बेसिस पे इसने मुझे रिजल्ट्स दे दिए। ये एक लिंक है जहाँ आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। दूसरा ये वाला लिंक है, इसके अलावा भी बहुत सारे लिंक हैं, आपको जहाँ पे भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले आप वहां से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दो लिंक मुझे पसंद आए इसलिए मैं आपको ये लिंक दे दूंगा इस शीट में। ठीक है, तो आप ये यूज करके फिल्टर आउट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आप यूज करना चाहेंगे इस स्ट्रेटेजी के लिए। ये पहला स्टेप हो गया म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का। सेकंड स्टेप, लमसम 1 लाख इन्वेस्ट करना है जो मैंने आपको बताया। अगर आपके पास 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए हैं, 2 लाख 3 लाख, तो आप उसी म्यूचुअल फंड में अमाउंट ना बढ़ा के मल्टीपल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। ठीक है, हो सकता है आप एक म्यूचुअल फंड चूज करें जो बेस्ड हो मिड कैप स्टॉक्स पे, दूसरा आप चूज कर सकते हैं स्मॉल कैप पे, तीसरा आप ब्लू चिप पे, चौथा फ्लेक्सी कैप पे जिसमें मल्टीपल कैप्स होते हैं, उस बेसिस पे आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तीसरा स्टेप है, आपको 2% कैलकुलेट करना है अपने लमसम इन्वेस्टमेंट का और वो सिप स्टार्ट कर देनी है अपने म्यूचुअल फंड में। अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो सिप्स ऑटोमेट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली आप एक डेट सेलेक्ट कर लेंगे, अमाउंट बता देंगे और ऑटोमेटिकली उस डेट को आपका म्यूचुअल फंड खरीद लिया जाएगा आपके ब्रोकर द्वारा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो ये स्टेप आपके लिए ऑटोमेट हो जाएगा। हाँ, अगर आप ETF में कर रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स देते हैं ETF में भी सिप की फैसिलिटी, जैसे मैं Zerodha यूज करता हूँ उसमें ये फैसिलिटी है, लेकिन वो उतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें आपको प्राइस और क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है, आप अमाउंट नहीं डिफाइन कर सकते, तो आपको फिर भी कुछ मैनुअल इंटरवेंशन रहता है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड के केस में बाइंग ऑटोमेट कर सकते हैं आप कंप्लीटली। फिर उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वहां से हमारा शुरू होगा 1% फंड विड्रॉवल। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि आपने 1 लाख से स्टार्ट किया प्लस उसका 2% 2,000 रुपीज का SIP किया अगले 12 महीने तक, उसकी फंड वैल्यू 12 महीने बाद से 1.5 लाख हो गई, तो आप विड्रॉ करेंगे 1,500। ठीक है, अगर आप हर महीने कैलकुलेट कर रहे हैं तो हर महीने फंड वैल्यू चेक कीजिए, 1% कैलकुलेट कीजिए और वो विड्रॉ कर लीजिए। और आपको क्या करना है, सिप के लिए एक डेट फिक्स करिए, विड्रॉवल के लिए एक अलग डेट फिक्स करिए, दोनों के बीच में 10-12 दिन का गैप रखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर आप सेम दिन सिप रखेंगे और सेम दिन विड्रॉवल रखेंगे विल नॉट मेक सेंस, तो 10-12 दिन का गैप रखना है आपको दोनों के बीच में। ओके, और आइडियली इस मेथड में जब आप 4 साल के बाद पैसा निकालना शुरू करते हैं तो वो ज्यादा सेंसिबल लगता है, इन द सेंस कि आपका जो सिप अमाउंट है और आपका जो विड्रॉवल अमाउंट है, विड्रॉवल अमाउंट आपके सिप अमाउंट से ज्यादा होगा, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम हो जाएगा और आपका विड्रॉवल ज्यादा होगा, यानी कि प्योर इनकम आपको आती हुई दिखाई देगी। तो वो 4 साल के बाद ऐसा इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑफकोर्स ये डिपेंड करता है फंड की परफॉर्मेंस में, म्यूचुअल फंड ETF जो भी आप यूज करें उसकी परफॉर्मेंस में, इन जनरल 4 साल के बाद हम ये देख पाते हैं, क्योंकि हमारा फंड का वैल्यू इतना हो जाता है जितना हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं कि वो सरपास कर जाता है हमारे सिप के अमाउंट को, इसलिए 4 साल। तो ये हो गया पहला शीट, इसमें मैंने बेनिफिट्स भी बता दिया जो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर मैंने आपको दिया है बैक टेस्ट, तो यहाँ पे मैंने आपको 1 ईयर का डेटा, अगर आप विड्रॉवल स्टार्ट करते 1 साल के बाद तो क्या सिनेरियो होता, और अगर आप 4 साल के बाद 4 ईयर्स के बाद करते तो क्या सिनेरियो होता, उसके लिए मैंने 2 शीट्स बनाई है, और ये जो 4 ईयर वाली है उसका डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली पुल होगा। सेम म्यूचुअल फंड के लिए जो भी आप स्टार्ट डेट एंड डेट और लमसम अमाउंट डालेंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें भी फिल हो जाएगा, मैंने फॉर्मूलाज डाले हैं, तो यहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना है, उसके एंड रिजल्ट आप यहाँ पे देख पाएंगे कंपैरिजन के लिए। तो ऑफ कोर्स ये सारा क्राइटेरिया यहाँ तक तो सेम रहने वाला है, क्योंकि सेम म्यूचुअल फंड या ETF, सेम स्टार्ट डेट एंड डेट एंड लमसम अमाउंट एंड सिप एंड टोटल इन्वेस्टेड, ये सब सेम रहने वाला है 1 साल हो या 4 साल हो। मैक्स परसेंट फंड वैल्यू, यहाँ पे हम देख सकेंगे कि हमारा मैक्सिमम परसेंटेज हमारे फंड वैल्यू का कितना गया जब हम 1 साल के बाद विड्रॉल करते हैं, और अगर हम 4 साल के बाद करते हैं तो इतना जाता है, यानी यहाँ 40% तक गया, यहाँ 68% तक गया, और मिनिमम कितना गया यानी कि नेगेटिव में कितना गया, यहाँ 40% और यहाँ 23% के करीब। हम टोटल विड्रॉवल कितना कर लेते स्टार्टिंग से लेके अब तक, ऑफकोर्स यहाँ पे हमने विड्रॉवल स्टार्ट किया 1 ईयर के बाद और यहाँ स्टार्ट किया 4 ईयर्स के बाद, तो आप देख सकते हैं टोटल विड्रॉवल अमाउंट और मैक्सिमम विड्रॉन एट एनी टाइम, एक बार में हम कितना मैक्सिमम अमाउंट विड्रॉ कर पाए किसी एक पर्टिकुलर मंथ में, ये मैक्स अमाउंट निकाल लेगा और आपको यहाँ दिखा देगा। करेंट फंड वैल्यू आज की डेट में, जो भी आपका एंड डेट है उस दिन आपकी फंड वैल्यू क्या होती। ओके, होल्डिंग सो फार, कितने मंथ्स आप होल्ड कर चुके हैं, यानी कि स्टार्ट डेट और एंड डेट में, यहाँ पे मैंने एक्चुअल स्टार्ट डेट भी डाली, क्योंकि अगर आप यहाँ स्टार्ट डेट डालते हैं कोई पर्टिकुलर और वो फंड उस डेट को लॉन्च नहीं हुआ था
और वो लॉन्च हुआ कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद, तो यहाँ एक्चुअल स्टार्ट डेट में वो डेट आपको दिख जाएगी कि कब वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो मंथ्स निकल के आ रहे हैं ये बेस्ड हैं एक्चुअल डेट और एंड डेट के बेसिस पे, ठीक है। और एवरेज मंथली विड्रॉल, तो जो हमने टोटल विड्रॉ किया उसको मैंने डिवाइड कर दिया टोटल होल्डिंग मंथ से, ताकि हमें पता चल सके कि एवरेज मंथली विड्रॉवल। और ये मंथली विड्रॉवल सारे पीरियड को कंसिडर कर रहे हैं जब आपने विड्रॉवल स्टार्ट भी नहीं किया था, जो 1 साल का पीरियड यहाँ पे आपने नहीं विड्रॉ किया वो वाले मंथ्स भी कंसिडर कर रहा है और उसका एवरेज निकाल के आपको बता रहा है। इस फॉर्मूला को मैं अपडेट कर दूंगा इनफैक्ट, ताकि हमें ये पता चल सके कि जब हमने एक्चुअल विड्रॉवल किए उसका क्या मंथली फिगर आया। ओके, मैंने फिगर्स अपडेट कर दिए हैं। तो ये विड्रॉवल तब से कंसिडर कर रहा है जब हमने विड्रॉ करना स्टार्ट किया, और जो पूरे मंथ्स विड्रॉ करते रहे उसका क्या एवरेज है। इसमें से मैंने 12 मंथ्स माइनस कर दिए हैं और इस वाले में से 48 मंथ्स माइनस कर दिए हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर हम 1 साल के बाद विड्रॉल स्टार्ट करते तो ये हमारा एवरेज मंथली विड्रॉल रहता। ऑफ कोर्स किसी मंथ में ज्यादा विड्रॉल, किसी मंथ में कम विड्रॉल, डिपेंडिंग ऑन फंड की वैल्यू क्या है, वो ऊपर है नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज का आइडिया हो जाएगा, राइट। और उसी के बेसिस पे मैंने आपको रिजल्ट्स जो मैंने बैक टेस्ट किए कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स और ETFs, उनके बैक टेस्ट के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अपनी बैक टेस्ट ऑफ कोर्स आप कभी भी कर सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड का यहाँ पे कोड डालिए। अगर म्यूचुअल फंड या ETF का कोड निकालना है सिंपली आप गूगल फाइनेंस की वेबसाइट पे जाइए, उस म्यूचुअल फंड का नाम सर्च कीजिए और कोड आपको मिल जाएगा, वो आप यहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि ये सारा डेटा गूगल फाइनेंस के वेबसाइट से ही आता है, इसलिए वहां से ही कोड लेना पड़ेगा। और फिर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट शीट भी दे दी है, तो एक बार आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दें तो आप ये वाली शीट यूज कर सकते हैं और मैनुअल एंट्री कर सकते हैं जहां जहां येलो कलर है, और ट्रैक कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉवल और एवरीथिंग। ऑलराइट दोस्तों, तो अब क्विकली बात कर लेते हैं कि इस स्ट्रेटजी के बेनिफिट्स क्या हैं। आई एम श्योर आपको ऑलरेडी समझ में आ गए होंगे, लेकिन जस्ट एक रिकैप के लिए, द ग्रेट बेनिफिट्स, कई सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन जो टॉप बेनिफिट्स हैं, सबसे पहला, इट गिव्स रेगुलर मंथली इनकम इन ऑल मार्केट कंडीशंस। क्योंकि हम अपनी इनकम हर महीने निकालते हैं इररिस्पेक्टिव म्यूचुअल फंड की वैल्यू प्लस में है माइनस में है, तो इसलिए हमें हर मार्केट कंडीशन में रेगुलर मंथली इनकम मिलेगी। ऑफ कोर्स अमाउंट अप एंड डाउन होते रहेंगे लेकिन हमारी इनकम नहीं रुकेगी। सेकंड है, प्रॉफिट्स आर टैक्स एफिशिएंट। क्योंकि हम अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करते हैं 1 साल के बाद, तो हमारा ये प्रॉफिट एलिजिबल होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और एज पर द करेंट टैक्सेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, प्रॉफिट्स अप टू 1 लाख आर टैक्स एग्जेम्प्ट, ठीक है। 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद अभी 10% का रेट चल रहा है। अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो अलग अलग क्राइटेरिया है, अगर आप डेट बेस्ड में करते हैं तो अलग क्राइटेरिया है, हाइब्रिड में करते हैं तो अलग क्राइटेरिया है, तो आप वो आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इक्विटी बेस्ड, जो मेरी रिकमेंडेशन, बिकॉज हम ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, डेट बेस्ड में क्यों करें, इक्विटी में करेंगे ताकि मैक्सिमम गेन्स हम पा सकें, तो उसमें आपको 10% का फिलहाल टैक्स रेट चल रहा है, तो इसलिए टैक्स एफिशिएंट। बिकॉज अगर आप 1 साल से पहले बेचेंगे तो उसमें सिंपली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो कि 15% होता है, राइट, फ्लैट 15%। एंड थर्ड बेनिफिट है, ये बहुत इजी है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जैसा आपने देखा, शुरुआत हम करते हैं एक लमसम इन्वेस्टमेंट से, उसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं तो आपके जो सिप्स हैं वो तो ऑटोमेट हो ही जाएंगे, आपको उसमें कुछ मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, बस आपको जब सेल करना है वो ही एक ट्रांजेक्शन है जो आपको करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप ETF में कर रहे हैं तो आपके महीने के 2 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, एक जब आप बाय कर रहे हैं और दूसरा जब आप सेल कर रहे हैं। देखा दोस्तों आपने कितनी सिंपल स्ट्रेटजी है, और बैक टेस्ट के आप रिजल्ट्स देखेंगे, एक बार फिर से उस पर नजर मार लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको एक अच्छी रेगुलर मंथली इनकम दिलाता है। एक बार जब 4 साल हो जाते हैं, उससे पहले भी आपको इनकम दिलाता है। अगर आप वो कैफे वाला एग्जाम्पल याद रखें तो इनकम आपकी रेगुलर स्टार्ट हो जाती है 1 साल के बाद ही, लेकिन एक एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है आपका 4 साल के बाद, जहां आपको प्योर प्रॉफिट होने लग जाते हैं, क्योंकि सिप अमाउंट से ज्यादा हो जाता है आपका विड्रॉवल अमाउंट। तो दोस्तों, मुझे तो ये स्ट्रेटेजी बहुत पसंद आई, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दी है। तो जो इस इन्वेस्टमेंट शीट में आप देख रहे हैं, ये वाला म्यूचुअल फंड मैंने चूज किया है, इसके अलावा भी एक और किया है, लेकिन ये शुरुआत की थी मैंने 22 जून को, और ये सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है। ये शीट में अपनी इन्वेस्टमेंट से और आगे अपडेट नहीं करूंगा, ये सिर्फ एग्जाम्पल एंट्रीज मैंने आपके लिए दी हैं, ये एक्चुअल एंट्रीज हैं जो मैंने इन्वेस्ट किए, लेकिन इसके आगे का ऑफकोर्स मैं अपनी पर्सनल शीट में मेंटेन करने वाला हूँ, जो यहाँ अपडेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप खुद के लिए यूज करने के लिए, जहां भी येलो है वहां से डेटा डिलीट करके अपना खुद का डेटा एंटर करेंगे और फॉर्मूलाज सारा कैलकुलेट करके आपको बता देंगे कि आपकी फंड की वैल्यू क्या है, कितना प्लस में है, कितना माइनस में है, 1% कैलकुलेट वो आपको कर देगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही 12 महीने पूरे होंगे। और फिर आप अपना विड्रॉवल डेट और विड्रॉवल प्राइस और विड्रॉवल यूनिट्स यहाँ डाल के अपने ये भी ट्रैक कर सकते हैं, आपने कितना विड्रॉ कर लिया है,
राइट, ऑल दैट कैन बी ट्रैक इजिली। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आई होगी, और महेश सर की बुक जरूर खरीद लेना अगर आपको ऐसी और स्ट्रेटेजीज के बारे में जानना है, क्योंकि उनने गोल्ड बीज के बारे में, डेट फंड्स के बारे में और पैसों का पेड़ जो कि ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है उसके बारे में भी उस बुक में बताया है। तो उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर पढ़िए। जिस कॉस्ट पे सर उस बुक को बेच रहे हैं और जो वैल्यू इस बुक से मिल रही है वो नाम मात्र, आई मीन जीरो कॉस्ट के बराबर है मेरे हिसाब से। मैंने इस बुक का किंडल वर्जन बहुत पहले ले लिया था, लेकिन एक फिजिकल मोटिवेशन के लिए, मैं सारी बुक्स सर की किंडल में ले लेता हूँ, लेकिन फिजिकल मोटिवेशन के लिए मैंने सोचा एक बार फिजिकल कॉपी भी ले लेता हूँ इस बुक की, ताकि जब भी मैं इस बुक को देखूँ तो मुझे, मैं रिमाइंड करा सकूँ अपने आपको कि हाँ भाई, सिंपल स्ट्रेटजीज से जब तक हम जुड़े हुए हैं हम आराम से अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं, लगातार अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं प्लीज फील फ्री टू कमेंट। अगर आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको पसंद आता है कॉन्टेंट तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलूंगा जल्दी ही आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।